उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में घटना की जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशन किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अवगत कराया जाए। अदालत के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश को भी जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेल भेज दिया है। इस मामले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाए जो हाथरस हादसे की जांच करे। भविष्य में इस तरह की सार्वजनिक सभाओं और बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने वाले कार्यक्रमों में ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश में निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए मेल में आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। उन सभी व्यक्तियों और अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही की जाए जिन्होंने लापरवाही बरती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में भी इस तरीकों के आयोजनों में इस तरह की घटना ना घटे, इसको लेकर भी नियम बनाए जाए। ऐसे नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग भी याचिका में की गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस और अलीगढ़ का दौरा किया। हाथरस में सत्संग के दौरान जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं दो जिलों में रहने वाले थे। राहुल ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। राहुल ने कहा कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पीड़ित परिवार काफी ज्यादा गरीब है। साथ ही मामले की जांच की जानी चाहिए। सरकार ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाथरस हादसे की SIT रिपोर्ट सौंप दी गई है। 15 पेज की इस रिपोर्ट में DM और SP समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक लोगों के नामों का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि इन नेताओं को चुनाव जिताने में बाबा की भूमिका रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश को लेकर भी बात की गई है। बाबा के सेवादार की भी भूमिका पर सवाल उठे। इंडिया 24/7 लाइव TV पर डेस्क रिपोर्ट।